सुनो जी, इतने बड़े शहर में घर कहाँ मिलेगा भाई। जब यहां तक आए तो घर भी मिलेगा, और देख कुछ आदमी दिख रहे बैठे हुए, और उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। बैठिए आप लोग। बस बस ठीक है, बोलिए क्या काम है आपको। पहले मैं बात कर लूं। वो हम इस क्षेत्र में नवे आए। अच्छा जी। मुझे काम की और अरे घर की जरूरत थी बहुत ज्यादा। ठीक है। नई नई शादी हुई अभी आपकी? हाँ जी। हाँ, तभी तो घूम रहे हो तुम। आप ऐसा करो, अंदर बैठो, मैं देखता हूँ अभी तुम्हारे काम के लिए। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, इधर आना। हाँ जी। आप ये लो रूम की चाबी, तुम्हारा काम कल से लग जाएगा। रूम कहाँ है जी? रूम पीछे चले जाओ, मेरे दोस्त का मकान बन रहा, मैंने बोल दिया कल से तुम्हारा काम लग जाएगा। जाओ अपने रूम में जाओ। सुनो जी, जाके कुछ काम आम देख लो साहब के पास। यह बात तो सही कहे यार, भूख भी लग रही होगी तुझे। मैं जाऊं भाई साहब के द्वारा, कोई काम मिले, शाम को पैसे मिलेंगे, मैं तुझे कुछ खाने के लिए लेता हूँ। वहाँ थोड़ा सा तुम मैनेज कर लियो, मैं चलूँ। है ठीक है। ले या पानी की बोतल रखी, और ज्यादा बाहर भीतर मत आइयो जी, वो पानी पी लियो अपना। अब चलूँ चल मैं। ठीक है ठीक है। साहब जी, तुम कुछ काम वाम के लिए कह रहे थे कल। हाँ आ गया। बताओ साहब जी क्या काम है। अभी भिजवाता हूँ तुम्हें। नीलू जी। साहब जी इधर आओ, पीछे जो नया मकान बन रहा उसमें ले जाओ, और सारा सामान कूड़ा इकट्ठा करवा के ऊपर छत पे रखवा दो। ले जाओ इसने अपने साथ। जाओ जी। ठीक है साहब जी। अच्छा जी अच्छा। ये सारी ईटे वीटे बाहर पहुंचा दो, और ये फट्टे वट्टे ऊपर पहुंचाने हैं। ठीक है जी। बता यार, गांव में कितनी मजे की जिंदगी जी रहे थे, और यू ब्याह करके मजदूर की जिंदगी जीनी पड़ रही। मैडम। हाँ बोलो क्या हुआ। आपको कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे? 100 रुपए एक दिन के मिलते हैं। आपके पति के काम करे? वो कुछ ना करते, पी के पड़ा रहे सारे दिन। अरे भैया यहाँ से उठ जाओ, मालिक आ गए तो तुम्हें भी डांटेंगे और मुझे भी डांटेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। यहाँ क्यों बैठे हो, बीड़ी पीते हो? साहब जी कभी कभी पी लेता हूँ बीड़ी। यहाँ काम है तुम्हारा बीड़ी पीने का?
वो मैं थोड़ा थक गया था, मैंने सोचा एक आधी बीड़ी पी लूं मैं फिर। जाओ जाओ काम करो। आज तो टाइम बहुत हो गया, अभी तक नहीं आई। आ जाओ, आप भी खा लो। अच्छा ये काम हो रहा है यहाँ। नमस्ते साहब जी। हो गया काम पूरा जो बताया था? हाँ जी सारा काम हो गया। लो 50 रुपये तुम्हारे। और 50 तुम्हारे। ठीक है जाओ। बस खाली 50 रुपये दिए इसने। ये हरामी ऐसा ही है, 50 हमें दे, 50 अपना। तुम रोज 50 रुपये में काम करो यहाँ से। करें, घर चलाना पड़ता है, गरीब आदमी वैसे ही घर चलाना पड़ता है। अच्छा मैडम फिर मिलते हैं सुबह। अभी तक कितना टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं है। हाँ जी कुछ हुआ काम? हाँ 50 रुपये मिले थे पर वो तो खो गया। चलो कोई बात नहीं, आज भी पानी पी के सो जाएंगे, सुबह की सुबह देखेंगे। ठीक है आप सो जाओ। चलो आप चिंता मत करो, आप सो जाओ। सचिन है क्या? आ जाओ साहब जी। इधर आके बैठो। मैं नहीं बैठो, आप आओ ना बैठो, बैठो ना बैठो आप। सचिन आज साइड पे नहीं गया? और तुम सुनाओ गांव में कैसे साथ साथ रहे तुम, कैसे शादी हुई तुम्हारी? 2 दिन हो गए जी। इससे पहले कहीं काम नहीं किया कुछ? और तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, गुजारा कैसे होता तुम्हारा? बस अभी तो ऐसे ही चला हुआ है। ठीक है खाना पीना खाओ, कोई टेंशन मत लेना। लो कुछ पैसे दे देता हूँ, इन्हें अपने पास रखना। नहीं नहीं पैसे रख लो आप। अरे रख लो कोई नहीं बात नहीं, रख लो आप। रखो रखो पैसे, तुम्हें बहुत जरूरत होगी पैसों की, और जरूरत हो तो और मांग लेना। मैं चलता हूं, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है
काम वाम हो गया है क्या सारा जो बैठ के बातें कर रहे हो? हाँ मैम, कर कर आके बैठे, बस थोड़ा सा आराम कर। और ये काम भी तो बाकी है, इन्हें कौन करेगा? मैम थोड़ा सा रह गया, अभी कर रहे हैं। कहाँ से हो आप? मैं तो मैम शामली से आया हूँ। और आप कहाँ से आए हो? मैम हम यहीं से आए हैं, थोड़ी पास में से। और कौन है तुम्हारे घर में? मैम मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन करी है यहाँ पे। पूजा करते हो घर में? नहीं जी। अच्छा तो खाटू श्याम जी की पूजा किया करो, तुम्हारे घर की स्थिति सारी ठीक हो जाएगी। ऐसा क्या होगा? आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और घर परिवार में सब खुशी रहेंगे। ठीक है, मैं घर जाके उनके बारे में जिक्र करूंगा। ये मैडम खाटू साहब क्या बता रही थी? सुना तो मैंने भी है, खाटू वाले का नाम बहुत हारे का सहारा है, वो हर संकट काटे हैं वे। घर में खुशी आ जाए, सुख शांति रहे। तो ठीक है, आज साहब जी से कुछ ज्यादा पैसे लेकर ना हम खाटू साहब चलते हैं, तुम भी चलोगी ना? हाँ क्यों नहीं चलेंगे आपके साथ में। ठीक है, आप भी ज्यादा पैसे ले लेना साहब जी से। हाँ ठीक है चलो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। बोलिए। साहब जी कुछ पैसे दे देते। साहब जी आज कुछ ज्यादा पैसे दे देना। क्यों, क्या बात हो गई? साहब जी श्याम बाबा के दर्शन करने जाना था। आज पैसे नहीं मिलने के, कल मिलेंगे पैसे। भाई साहब मुझे तो दे दो कुछ पैसे। एक बार बोल दिया पैसे नहीं है, जाएगा खाटू श्याम। निकलो कर लेना, जा तू भी। ये तो बड़ा हरामी बंदा है, रोज तो 50 रुपए दे रहा था, आज तो खाटू श्याम के नाम से कुछ नहीं दिया। अरे तुम रुको तो सही, अभी तुम्हें तो 2 ही दिन हुए हैं, ये बहुत हरामी है बुड्ढा, तुम देखो तो सही। अभी पता नहीं ऊपर वाले की लीला कैसी कैसी, कैसे कैसे आदमी बसे हुए हैं दुनिया में। यो कुछ नहीं, ये लो खाना। खाना बड़ा अच्छा बनाती हो तुम, सो जाओ, सुबह फिर काम पे भी जाना है। हाँ कौन? अरे मैडम आप यहाँ कैसे? मुझे मैडम ने बुलाया है। अरे मैंने बुलाया था इन्हें काम के लिए घर पे। अच्छा आपने बुलाया, आ जाओ आ जाओ। शीतल एक गिलास पानी ले आना, ये लो। काम हो गया सारा घर का? जी मैडम। जो बचा है उन्हें जाके कर लो आप। मैम साहब काम हो गया, मैं घर जाऊं? ठीक है जाओ जाओ, सुबह टाइम से आ जाना। ठीक है छोड़ दो साहब जी, ये क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मेरा हाथ। आज तो बच गई मैडम, कल नहीं बचोगे। अरे शीतल क्या हुआ तुझे?
मैम साहब। अरे तुम्हें क्या हुआ? मेरे पति को अटैक आ गया है, कुछ पैसों की जरूरत है। दे दूं क्या? हाँ दे दो यार, इनकी मदद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपकी आभारी रहूंगी। देखो शीतल, जब हम दिल्ली आए थे ना, इसने हमें खाटू श्याम के बारे में बताया था। मैंने इनसे काम मांगा था और इनके पति की गलत हरकतों के कारण ना, खाटू श्याम ने आज उन्हें उनका इनाम दे दिया। उस लड़की को भी परेशान करता था और अब देखो ये दिन आ गए कि उसे खुद पैसे मांगने पड़ गए। चलो कोई नहीं, सो जाओ, ये सब आदमी एक जैसे ही है। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय।